आए हैं हम सांकरखोर आश्रम है हमारे गुरुदेव का, वहाँ पे हम रुके हुए। अरे बहुत धूम मची है, बहुत आनंद आ रहा है, ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, क्या कहें इसके बारे में। हम तो सुबह से सोच रहे थे पता ना श्री जी कैसे दर्शन देंगी, देखो कृपा उनकी, 2 मिनट में ऊपर 2 मिनट में नीचे, लाडली ने इतने अच्छे दर्शन दिए। बस यही प्रार्थना है आगे हमारी सब। पहले बहुत दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के जाना पड़ता था, पैरों में भी दर्द हो जाता था बुजुर्गों के, अभी रोपवे जब से हुआ है तब से आराम है और बच्चे को भी ज़्यादा आराम रहता है, बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बैठिए बैठिए। राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय। मेरा नाम अभय राज अवस्थी है, मैं श्री राधा रानी रोपवेज का डायरेक्टर हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 तारीख को 25 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोपवे का उद्घाटन किया था और उद्घाटन के बाद से ही लगातार यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोपवे के माध्यम से बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को और जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको जो जाने में और राधा रानी जी के दर्शन करने में दिक्कत आती थी वो दिक्कतें अब दूर हो गई हैं। और राधा रानी जी के लिए, राधा अष्टमी जी का जो त्यौहार है वो, उसके लिए हमने विशेष तैयारियां कर रखी हैं और उसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 6000 से 8000 यात्री जो है वो रोपवे के माध्यम से राधा रानी जी के दर्शन करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पूरी पार्किंग की व्यवस्था है, वाटर फाउंटेन्स लगे हैं यात्रियों के लिए, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं किसी भी रोपवे में वो सारी यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक केबिन में 6 यात्री जाते हैं और टोटल 12 केबिन है हमारे पास, तो एक जो हमारी क्यू लाइन होती है उसमें पूरे 72 लोग एक बार में टू एंड फ्रो ट्रैवल कर लेते हैं। 400 यात्री प्रति घंटे की हमारी PPH की स्पीड है, यानी एक घंटे में 400 यात्री इस रोपवे के माध्यम से राधा रानी जी के दर्शन कर पाएंगे।
देखिए राधाष्टमी के लिए हमने विशेष तौर पर काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं। हमने अपनी क्यू लाइन को एक्सपैंड कर दिया है, पार्किंग स्पेस एक्सपैंड कर दी है, टिकट्स को जो सेल करना है उसको हमने अभी लिमिटेड किया है, क्योंकि वो जिला प्रशासन जो है वो चाहता है कि यहाँ पे भी किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। और बाकी जैसे भी हमको निर्देश मिलेंगे जिला प्रशासन की तरफ से, वैसे उसी प्रकार से हम कार्रवाई आगे करेंगे।